हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉज फ्रॉम इंडिया। द साउथ वेस्ट मानसून हैज़ एंडेड एंड द नॉर्थ ईस्ट मानसून इज़ लाइकली टू सेट इन द नेक्स्ट 72 आवर, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD सेड ऑन थर्सडे। तो सबसे पहले देखते हैं ये है क्या, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्या है, देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया, यहाँ पे हम लोग मानते हैं इंडिया। अब बीच में अगर लोकेशन देखें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये हो गया। अब देखिए क्या लिखा था, साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ से जो मानसूनल विंड्स हमारी आती हैं, जो ज्योग्राफी पढ़ा होगा वो जानता है, यहाँ पे 4 फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से यहाँ पे विंड आती हैं। ठीक है, ये जो विंड है अब ये स्टॉप हो गई। ये एक स्पेशल फीचर होता है मॉनसूनल विंड का, जो इंडिया के पास ही है और जल्दी कहीं पर है नहीं, तो ये विंड स्टॉप हो गई है आपकी। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से मॉनसून आएगा। नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर है। ठीक है, अब यहाँ से ये, इसको क्या बोला जाता है, मॉनसून रिटर्न कर रहा है, वापस जा रहा है। आप देखिए, इसको ऐसे भी बोला जाता है, अभी बारिश हुई थी इस कोस्ट पे अच्छी खासी, अब बारिश होगी यहाँ पे ईस्ट कोस्ट पे, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है आपका, और यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, ये नीचे में इंडियन ओशन। तो बारिश अब ऐसे हुई थी, अब ऐसे यहाँ से रिहाइड्रेट होगी बारिश। तो चलिए देखते हैं, द ऑनसेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। मानसून ऑनसेट मतलब जब स्टार्ट हो रहा है, बस अब स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, द ऑनसेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून इज ऑल्सो नोन एज द रिट्रीटिंग मानसून। इसको देखिए, ये आया यहाँ से रिट्रीट करके वापस जा रहा है, इसलिए इसको रिट्रीटिंग मानसून भी बोला जाता है। वुड लाइकली बी वीक, द एजेंसी एडेड, तो ये थोड़ा वीक होगा इस साल का। ठीक है, द साउथ वेस्ट मानसून बिगेन इट्स विदड्रॉवल फ्रॉम राजस्थान ऑन सेप्टेम्बर 25, नियरली अ वीक बिहाइंड इट्स नॉर्मल डेट ऑफ सेप्टेम्बर 17। तो ये एक हफ्ते बाद विदड्रॉ हो रहा है, 1 वीक यहाँ पे लेट हो रहा है मामला इसको विड्रॉ होने में। दो मॉनसून विड्रॉवल बिगिन फ्रॉम राजस्थान, इट टेक्स नियरली अंटिल अर्ली ऑफ मिड अक्टूबर फ्रॉम इट फुल्ली विड्रॉ एंड बी रिप्लेस्ड बाय नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। हाउएवर, इंडिया ऑफिशियली ओनली काउंट्स रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम जून 1 टू सेप्टेम्बर 30 एज अ मॉनसून रेनफॉल। इसी को हम लोग एज अ मॉनसून रेनफॉल लेते हैं, इसको हम लोग काउंट नहीं करते। एज ऑफ सेप्टेम्बर 30, इंडिया रिसीव 94% ऑफ द एक्सपेक्टेड रेन फ्रॉम द 4 मानसून मंथ्स। दिस इज बिलो द फोरकास्ट ऑफ 96%, बट स्टिल विद इन द एरर मार्जिन ऑफ द IMD's फोरकास्ट मॉडल। रेनफॉल डेट रीचेस 96% टू 104% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज इज कंसिडर्ड नॉर्मल। एन ऑन गोइंग एल नीनो ट्रिगर्ड अ डे अगस्त, अ ड्राई अगस्त, बट दिस वॉज पार्शियली कंपनसेटेड बाय मोर देन एक्सपेक्टेड रेन इन सेप्टेम्बर। अब एल नीनो बहुत डेली आ रहा है, एल नीनो न्यूज़ में। अब मैं इसके लिए, आप बोलिए तो आपके पास एक एक्स्ट्रा वीडियो ले आऊँ। एल नीनो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यहाँ पे आप देखिए साउथ अमेरिका हो गया। इस बीच में ये इंडियन ओशन है, ठीक है, आप देखिए ये पैसिफिक ओशन है, और इसके इधर में अटलांटिक ओशन है। इस बीच में पैसिफिक ओशन में यहाँ पर जो फिनोमिना होता है वही आपका एल नीनो है, वो यहाँ पर होता है। सोचिए, यहाँ फिनोमिना यहाँ पर होता है, अफेक्ट उससे ये जगह होती है और उससे हमारा रेनफॉल अफेक्ट होता है। तो एल नीनो के वजह से अगस्त तो अपना ड्राई रहा, पर सितंबर में रेनफॉल हो गया ठीक ठाक, तो अभी कोई दिक्कत इतनी है नहीं। साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉज फ्रॉम इंडिया अर्लियर दिस मंथ, द IMD फोरकास्ट नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट मानसून फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द सदर्न पेनिनसुला। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक एंड द पार्ट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश रिसीव सिग्निफिकेंट रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। रिट्रीट जो हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट रिट्रीट जो हो रहा है मानसून थ्रू द ओवरऑल, इट कंट्रीब्यूट्स ओनली अराउंड 11% ऑफ द इंडिया एनुअल रेनफॉल। प्रीवियस एक्सपीरियंस हाउ एवर सजेस्ट दैट देर इज एक्सट्रीम ईयर ऑन ईयर वेरिएबिलिटी। इन 2015 चेन्नई वॉज डिल्यूज्ड बाई रेन, वेर एज अ वीक नॉर्थ ईस्ट मानसून इन्फ्लिक्टेड अ सीवियर वाटर शॉर्टेज इन 2019। तो आप ये देखिए, सिंपल सी बात ये बता रहा है, 2015 में वहाँ पे पानी में बह गया था पूरा,
2019 में वहाँ पे आप देखिए ड्रॉट जैसा कंडीशन हो गया था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। द आई एम डी हैज़ ऑल्सो रिपोर्टेड टू डेवलपिंग लो प्रेशर एरिया प्रिकर्सर टू साइक्लोन बोथ इन द अरेबियन सी एज वेल एज इन द बे ऑफ बंगाल डेट आर लाइकली टू बिकम डिप्रेशन बाय अक्टूबर 21। इट इज़ येट अनक्लियर इफ दे विल मॉर्फ इन टू समथिंग बिगर। क्या ये जो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है ये साइक्लोन बनेंगे, ये साइक्लोन के प्रीकर्सर मतलब स्टार्ट हो रहा है, क्या ये डेवलप होके आपके साइक्लोन बनेंगे? अब चलिए देख लेते हैं ना एक बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्या बात हो रहा है। सबसे पहले ये इंडिया, ठीक है, यहाँ पे मैं लोकेशन लिख दे रहा हूँ, ये नॉर्थ है। अब नॉर्थ आप ये समझ गए तो ये उत्तर, ये नीचे में दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो मॉनसून होता है आप देखिए वो यहाँ से मॉनसूनल विंड्स आती है ऐसे वेस्टर्न कोस्ट पे, तो इसीलिए सबसे पहले ऑनसेट ऑफ रेनफॉल होता है हमारा वेस्ट कोस्ट पे, ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। महाराष्ट्र में बारिश शुरू हो जाएगी, केरला में बारिश शुरू हो जाएगी। आप देखिए महाराष्ट्र से लेके केरला से लेके कर्नाटका से लेके यहाँ पे बारिश पहले शुरू होती है। ये हो गया आपका, आप जगह देखिए साउथ से आ रही है और इस तरफ से आ रही है, तो साउथ वेस्ट, तो ये हो गई आपकी साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। अब क्या होता है मानसून रिट्रीट करती है, तो मानसून यहाँ से आती है ऐसे ऐसे रिट्रीट करती है। अब यहाँ से इस मॉइस्चर को लेके इस यहाँ पर गिराती है, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट हो गया। तब यहाँ पे चेन्नई में लेके आंध्र प्रदेश तमिलनाडु यहाँ पे बारिश होती है। अब ये होता है कहाँ से आ रही है, आप देखो इधर से ये ऐसे आ रही है, एक मानसून ऐसे आई थी एक मानसून ऐसे आ रही है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, रिट्रीटिंग मानसून। ये रिट्रीटिंग मानसून मतलब मानसून अब जा रहा है, ये अब बारिश करेगा, यहाँ से ये हवा चली जाएगी, अब बारिश नहीं होगी इसके बाद। फिर अगली बार जब ये कंडीशंस क्रिएट होंगे यहाँ पे तो ये आपकी फिर से साउथ वेस्ट मानसून होगा। तो देखिए दोनों कोस्ट पे तो हमारे बारिश हो जा रहे हैं। अब क्या बताया जा रहा है, ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है ये ओनली 11% ऑफ इंडियाज एनुअल रेनफॉल है इस साल का, ठीक है। आप देखिए यहाँ 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 अलग पार्ट्स में हुई है, हुए हैं। उड़ीसा में क्यों नहीं होते, क्योंकि भाई यहाँ से हवा आएगा कहाँ से, पहले ये मॉइस्चर उठाएगा तभी तो यहाँ पे होगा। ये जगह क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ से मॉइस्चर उठा के यहाँ करेगा, ये क्या है अरेबियन सी है, यहाँ से मॉइस्चर उठा के इंडियन ओशन से मॉइस्चर उठा के यहाँ पे करेगा। अब इसमें बताया जा रहा है ईयर ऑन ईयर वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 2015 में ड्रॉट लाइक कंडीशन पानी में भींगा हुआ था, 2019 में ड्रॉट लाइक कंडीशन हो गया, अभी आप देखो नॉर्मल चल रहा है, इतना भी ना ज़्यादा ड्रॉट है ना आपका फ्लड है। एक हम लोग इसमें सुनते हैं एल नीनो, आपको इतना ध्यान रखना है एल नीनो होगा तो यहाँ पे ड्रॉट कंडीशन बनेगी, ठीक है, एल नीनो से यहाँ पे ड्रॉट कंडीशन बनेगी। आपको पूरा कंसेप्ट समझना है तो प्लीज़ मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए या मेरे मेल पे मुझको मेल करिए, मैं आपके लिए इसके ऊपर भी एक वीडियो ले आऊँगा अच्छे से पूरे मैपिंग के साथ कहाँ पे। मैं आपको बता दूँ ये अगर इंडिया है, ठीक है, इंडिया के नीचे में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आप लोग देखिए ऐसे आपका साउथ अमेरिका, ये बीच में आपका आ जाता है पैसिफिक ओशन। तो यहाँ के जो एक फिनोमिना होता है, सारे पानी इधर गर्म आ जाते हैं तो इधर से हवा उठती है, फिर इधर गिरती है हवा, तो यहाँ से फिर मानसून ऐसे क्रिएट होता है, इसी फॉर्मूले को कहते हैं एलनिनो। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाया है क्यों गर्म पानी इधर आते हैं क्या होता है, इसके लिए आप मुझको बताएंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आप देखिए यहाँ पे प्रिकर्सर ऑफ साइक्लोन मतलब इधर भी अरेबियन सी में भी और बे ऑफ बंगाल में भी लो टेम्परेचर लो प्रेशर बेल्ट्स बन रहे, तो हो सकता है आईएमडी बोल रहा है कि अगर कुछ बड़ा होगा तो ये साइक्लोन में क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि साइक्लोन क्रिएट होने के लिए सबसे पहले बीच में हमें लो प्रेशर चाहिए होता है। तो इतना ही था इस आर्टिकल में जानने के लिए, सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।